सर आज क्या कार्यक्रम था और कैसी अवेयरनेस है? आज 3 मार्च को हम लोग वर्ल्ड हियरिंग डे विश्व श्रवण दिवस का आयोजन करते हैं और ये जो हमारा NCD कार्यक्रम होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में, तो हम लोग आज के तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जागरूकता एक अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करने का प्रयास करते हैं कि समाज के हर व्यक्ति को यह मालूम हो कि हमारे श्रवण का महत्व क्या है और इसको हम लोग किस तरह से अपना हियरिंग लॉस और सुनने की क्षमता होती है वो हमारे हियरिंग लॉस को हम लोग कैसे बचा सकते हैं और अगर किसी तरह की कोई हियरिंग लॉस होती भी है तो हम लोग उसको किस प्रकार से किस प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं और डायग्नोसिस के साथ उसका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। आज मैंने जो अभी सभी श्रोताओं से मीडिया वालों से मैंने ये निवेदन किया है कि जो हमारे जन्मजात जो दोष होते हैं हियरिंग के, जिससे हम लोग कॉन्जेनिटल डेफनेस बोलते हैं, वहाँ से शुरू करें और जो हमारे उम्र दराज जो हमारे सदस्य समाज के इन सभी वर्गों में हियरिंग लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है और समय से इनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता और इसका इलाज नहीं हो पाता और इसके लिए लोग जागरूक नहीं है। लोग इन सभी कारणों को देखते हुए आज ये वर्ल्ड हियरिंग डे जो है इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जनपद के सभी वर्गों में सभी आयु में हम लोग ये जागरूकता पैदा करते हैं। विशेष तौर पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो कॉन्जेनिटल डेफनेस है, जो जन्मजात दोष होता है, सुनने की क्षमता नहीं होती है, उन सभी बच्चों में घर के माता पिता ये शुरुआत के दौर में समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो बच्चा है अभी 4 महीने का 6 महीने का उसमें सुनने की क्षमता नहीं है, उसमें हियरिंग लॉस है और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है क्योंकि समय रहते इन जो हमारे बच्चों में हियरिंग लॉस है इसकी डायग्नोसिस हो जाए और डायग्नोसिस के बाद जो हमारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चलता है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के अंतर्गत ऐसे सभी बच्चे जो आंगनबाड़ी के स्कूलों में पाए जाते हैं इन लोगों का कॉपियर इम्प्लांट एक बहुत ही एक आधुनिक विधि से हम लोग कान में ऑपरेशन के माध्यम से इम्प्लांट लगाया जाता है और इम्प्लांट लगा देने के बाद ऐसे बच्चे सुनने भी लगते हैं और अपनी भाषा में बात भी करते हैं। सर जनपद में ऐसे कितने बच्चों का अब तक इलाज हुआ है? ये जहाँ तक मेरी याददाश्त में ये लगभग हमारे 12 बच्चे जो मेरी याददाश्त में हैं वो डाटा लेकर आपको बता देता हूँ और अभी तमाम बच्चे ऐसे हैं जो अभी इस प्रक्रिया के अंतर्गत हैं जिनका कि ऑपरेशन का भी डेट मिल चुका है और उनकी जाँचें भी चल रही हैं और जैसे ही इनकी जाँच पूरी होगी ऑपरेशन का डेट मिलेगा हम लोग तत्काल इसको निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो सामान्यतः हमारे कमर्शियल फील्ड में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है वो हमारे गांव के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से उनका निःशुल्क कॉक्लियर इम्प्लांट लगता है और उनका लैंग्वेज थेरेपी भी किया जाता है और ये बच्चे सामान्य बच्चों के लिए सुनने भी लगते हैं और बोलने भी लगते हैं।